इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम लोकसभा जमनी इंतखाबात के यकीनन दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पहले तो उम्मीदवारी किसे मिलेगी इस पर कुछ देर सस्पेंस रहा, तो अब जब कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीहोली को उम्मीदवारी दी गई है तो भाजपा किसे उम्मीदवारी देते इस पर भी नजरें टिकी रही। आखिरकार भाजपा की जानिब से मंगला अंगड़ी के नाम का ऐलान होने के बाद अब कौन जीत हासिल करेगा इस पर चर्चा जारी है। मरहूम सुरेश अंगड़ी की मौत कोरोना से होने के बाद आखिर बेलगाम लोकसभा जमनी इंतखाबात होना तय था, पर जिस तरह सुरेश अंगड़ी की पकड़ बेलगाम लोकसभा में थी, क्या कोई और जीत कर उसी सिलसिले को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा सवाल खड़ा था। लिहाजा कईयों के नाम सामने आ रहे थे और वैसे भी भाजपा यानी तकरीबन जीत पक्की ऐसी तस्वीर सभी तरफ नजर आ रही है। लिहाजा सुरेश अंगड़ी मुस्तकिल 3 बार तारीखी जीत दर्ज कर चुके हैं। मरकजी हुकूमत में वजारत भी इन्होंने हासिल की थी। खैर इनकी मौत के बाद कुछ लोगों की नजरें इस जगह पर थी बमुकाबिल कांग्रेस के। भाजपा में किसी तरह टिकट हासिल हो इसकी फहरिस्त काफी तवील थी। इसमें 2 तरह के तस्करे आवाम के दरमियान करते दिखाई देते, खासकर कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही जारकीहोली मुखालिफ पाए जाते हैं। लिहाजा कहा यह भी जा रहा है कि सतीश जारकीहोली को टिकट देना भी क्या इसी का हिस्सा है। वैसे तो रमेश जारकीहोली सीढ़ी मामले में दिन ब दिन फंसते ही जा रहे हैं और यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा। खैर अब जब कांग्रेस भवन में सतीश जारकीहोली ने पीर के रोज अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने की बात कही और यह भी कहा कि हाईकमांड के फैसले से मैंने यह जिम्मेदारी संभाली और लोकसभा चुनाव को लड़ने का फैसला किया, इस बात को भी महसूस किया जा रहा है कि भले सतीश जारकीहोली ने खुशी से इस जिम्मेदारी को कबूल की है कहा, पर कहीं तो एक तरह का दबाव जरूर देखा जा रहा है। पिछली मरतबा जब अंगड़ी की मौत के बाद सतीश जारकीहोली का नाम तय करने पर सलाह मशवरा किया जा रहा था, तभी इनके हिमायतियों ने इसकी मुखालफत की थी कि सतीश जारकीहोली यमकन मंडी हल्का छोड़कर कहीं न जाए, क्योंकि सीढ़ी मामले को लेकर रमेश जारकीहोली का सियासी मुस्तकबिल खतरे में है। तो दूसरी तरफ सतीश जारकीहोली को जानबूझकर यह टिकट देने का फैसला कुछ कांग्रेस पार्टी में ही इनके मुखालिफिन का इरादा होने की बात कही जा रही है। अब यह चुनाव गया एक तरह की चुनौती ही सतीश जारकीहोली के लिए कहा जा सकता है। आज कांग्रेस भवन में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए सतीश जारकीहोली ने भाजपा की गलत नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के काले कानून यानी आवाम के मसाइल पर ही चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत किस तरह नाकाम और आवाम मुखालिफ है, इसी एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का वोट बैंक अलग है और कांग्रेस की सोचो फिक्र अलग है, लिहाजा आवामी मसाइल पर ही चुनाव जीतने की बात कही। अक्सर यह देखा जाता है कि धर्म मजहब के नाम पर भाजपा सियासत करती रहती है, पर बेलगाम लोकसभा में मराठी और लिंगायत का काफी तसल्लुत है और तमाम कांग्रेस के साथ है, ऐसा भी सतीश जारकीहोली ने कहा। दूसरी तरफ भाजपा की जानिब से मंगला अंगड़ी को उम्मीदवारी दी गई। भाजपा अक्सर यह कहती आई है कि एक ही खानदान के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता और यह पार्टी का उसूल है, पर मंगला अंगड़ी को उम्मीदवारी देकर अपने ही उसूलों से किनारा कशी करते पार्टी देखी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि सुरेश अंगड़ी की हमदर्दी मंगला अंगड़ी को मिल सकती है, पर यह भी उतना ही सच है कि आज मुल्क भर में भाजपा को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में वजीर आजम और वजीर दाखला चुनावी मुहिम को अंजाम दे रहे, हर जगह पर जाकर विकास की बात करते रहते हैं, पर आवाम अब भरोसा किस हद तक रखती है ये तो आने वाला वक्त बता देगा। पर बंगाल में तो आवाम की राय यह देखी जा रही है कि मुल्क के अक्सर रियासतों में भाजपा की हुकूमत है पर कहीं पर भी विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, गिरती मईशत, परेशान किसान, यही तस्वीर पूरे मुल्क में देखी जा रही है। अगर इसके बाद भी भाजपा की जीत होती है तो आखिर किस बुनियाद पर भाजपा को आवाम वोट दे रही है, इस पर जरूर सोचना होगा। आज रमेश जारकीहोली सीडी मामले को लेकर नया ट्विस्ट देखने को मिला। सीडी गर्ल ने अपना 3रा वीडियो मंजरे आम पर लाते हुए कहा कि रमेश जारकीहोली की जानिब से मेरे जान को खतरा है और अपने वकील जगदीश के जरिए मुकदमा दायर करने की बात कही। हासिल इत्तला के मुताबिक आज कब्बन पार्क पुलिस थाने में मुकदमा दायर किया गया। इस मामले के बाद एक बार फिर रमेश जारकीहोली परेशानी के दलदल में धंसते नजर आ रहे। सीढ़ी गल ने तमाम रियासत के लोगों की दुआओं की बदौलत दोबारा आपके सामने बोलने की हिम्मत करने की बात कही। सीढ़ी गल का इस तरह
बयान मंजर आम पर आना रमेश जारकीहोली की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। बेलगाम लोकसभा के मद्देनजर एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली इस मामले से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर रोज सीडी मामले को लेकर कुछ न कुछ खबर सुर्खियां बटोर रही है। अब यह अलग मामला है कि सीडी मामला सतीश जारकीहोली पर कितना असर करता है। श्रीगर ने भी यह भी कहा है कि तमाम सियासी नुमाइंदों ने मेरी हिमायत की है। कहने का मतलब, क्या भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी की हिमायत इस सीडी गर्ल को हासिल है? खैर, हर रोज नए अंदाज में सीडी गर्ल का मंजर आम पर लाना जारकीहोली फैमिली के लिए जरूर नुकसानदेह हो सकता है। बेलगाम लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर डीसी बेलगाम की जानिब से सहाफियों, न्यूज चैनल वालों की, एडिटरों की मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें डीसी बेलगाम ने हिदायत देते हुए अखबारों में पेड न्यूज और इश्तेहारात के जरिए किसी भी पार्टी की हिमायत ना करने की बात कही। अगर कोई भी मुलविस पाया गया तो सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। वार्ता इलाके के अफसर कडबुर ने कहा कि अखबार न्यूज चैनलों की खबरों पर नजरें रखी जाएंगी और उम्मीदवारों के खर्च पर भी जेर निगरानी होंगे। इस वक्त बुढ़ा कमिश्नर प्रीतम नसलापुरे भी मौजूद थे। मदीना मस्जिद में आज कोरोना वैक्सीनेशन पर अहम मीटिंग तरफ फरमाई गई थी, जिसमें शहर के अक्सर सामाजिक खदमात अंजाम देने वाली तंजीमें इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत फरमाई। लिहाजा अक्सर लोगों ने वैक्सीनेशन के हक में अपनी राय देने की बात सामने आई। मुस्लिम समाज में टीकाकरण पर बेदारी लाने एक तरह की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन की मुखालफत भी की है। बहरहाल मामला उलमाए इकराम के फैसले के बाद ही अंजाम तक पहुंच सकता है। कईयों ने इसकी हिमायत करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन मुल्क के सभी अवाम के हक में है, लिहाजा इसे लगवाई जाए। पर कुछ लोगों ने इसे बतौर साजिश भी कहा। इसके साइड इफेक्ट्स और वैक्सीनेशन के बाद मरने वालों की मिसालों को भी पेश किया गया। अब सवाल यह उठता है कि हुकूमत टीकाकरण को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही है। हर किसी को टीका लगाना गोया इनका मकसद है। पहले तो किसी पर भी जोर जबरदस्ती ना होने की बात कही जाती थी, पर अब जबरन टीकाकरण करने की बात कही जा रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें गश्त कर रही है, जिसे लेकर सरकारी मुलाजिम भी वैक्सीनेशन से कतरा रहे। हासिल इत्तला के मुताबिक खुद सफाई मुलाजिमीन सेहत महकमा के ज्यादातर मुलाजिमीन ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जिन पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से सख्ती की बिना पर अब वैक्सीनेशन लिया जा रहा है, ऐसी इत्तला भी हासिल हुई। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद खून की गांठियों पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है। कोवैक्सीन, सीरम, कोविशील्ड के असरात पर जायजा भी लिया जा रहा है। भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी ने वैक्सीनेशन से 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत की बात कही है, लिहाजा वैक्सीनेशन को साजिश भी बताया जा रहा है। कुछ ने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बताया है और इसराइल, बिल गेट्स, मेलिंडा फाउंडेशन, ड्रग माफिया, जिसमें WHO तक साजिश का हिस्सा होने की बात कही जा रही है। डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने तो शुरुआत से ही कोरोना मर्ज की मुखालफत करते हुए इसे आलमी साजिश बताया। नए वीडियो में डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने कोरोना को सरे से नकारते हुए साजिश करार दिया है। लिहाजा मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम अफवाह पर तवज्जो न देने की बात कही और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जोर दिया। वक्फ बोर्ड बेलगाम की जानिब से कुर्ची गांव के तरक्कियाती कामों का जायजा लिया गया। लिहाजा चंदन दादी दरगाह इहाते में वाटर टैंक की इफ्तिताह भी अमल में आई थी, पर जिस मदरसे की इमारत यहां तामीर की हुई है, इसमें वक्फ बोर्ड का कोई दखल नहीं। बहरहाल ये जगह तो वक्फ बोर्ड की है। गांव वालों ने अपनी निजी इमदाद से इस इमारत को तामीर किया है। चंदन दादी मदरसे की इमारत को लेकर कुछ एतराजात इत्तेहाद न्यूज पर किए गए। बहरहाल इसकी वजाहत करते हुए हमने ये बताना जरूरी समझा कि ये जो इमारत तामीर की गई है, इसमें वक्फ बोर्ड की किसी तरह की इमदाद इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा चंदन दादी दरगाह मदरसे की इमारत गाँव वालों के निजी इमदाद से तामीर की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।